हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज हम पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे थे टॉलवीन के गुण। तो टॉलवीन के गुण में हमने कुल मिलाकर भौतिक गुण तो पढ़ लिए थे और रासायनिक गुण में हमने पढ़े थे सात। तो आज हमें आठवें गुण से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं आठवां रासायनिक गुण कौन सा पढ़ना है टॉलवीन का। ठीक है, आठवां गुण हमें पढ़ना है, आठवां गुण पढ़ना है प्रकाश में, यानी लाइट की उपस्थिति में। प्रकाश में Cl2 से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि यदि प्रकाश की उपस्थिति में आप टॉलुइन का रिएक्शन करा दोगे किसी हेलोजन के साथ, जैसे Cl2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? देखो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है CS3। ये हमारा टॉलुइन है और इसके ऊपर हमें रिएक्शन करना है Cl2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एच न्यू का मतलब क्या है यहाँ? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपको इस रिएक्शन को करना है। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप रिएक्शन करते हो, ध्यान रखना, यदि FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो या तो यहाँ होगा रिएक्शन या तो यहाँ होगा। पर प्रकाश की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन ना तो यहाँ होता है ना तो यहाँ होता है। सवाल खड़ा होता है कि सर क्यों? क्योंकि FeCl3 की प्रेजेंस में तो इसमें जो Cl2 है ना आपका, इसमें होगा विषम विदलन, हेटरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, जिससे एक तो बनेगा Cl पॉजिटिव और एक बनेगा Cl नेगेटिव। और आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो अटैक होता है वो होता है हमेशा Cl पॉजिटिव के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। मैंने आपको पहले भी कई बार सिखा रखा है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर जितने भी रिएक्शन होंगे वे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को होने के लिए इलेक्ट्रॉन इसने ही की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा, जब ये जो आपका Cl2 है, Cl बॉन्ड Cl, इसमें होगा विषम विदलन यानी हेटरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये तो बन जाएगा Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पर यदि आप Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में इसका बॉन्ड तोड़ते हो तो इसमें हमेशा समविदलन होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो समविदलन होगा तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बनेंगे। और मुक्त मूलक बनेंगे तो मुक्त मूलक तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस चीज को समझ जाओ ध्यान से, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा, रिंग के ऊपर अटैक करता है सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे अटैक करना है यहां, यहां से एक एच और एक सीएल निकलेगा, ये निकल गया HCl, और HCl के निकलने के कारण यहां बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CH2Cl। देखो ध्यान से भाई, कितने एच थे? तीन। एक एच को हटा दिया गया तो कितने बचे? दो एच बचे CH2। किसने हटाया? इस सीएल ने अटैक करा, तो वहां से जो बेघर हुआ था एच और यहां जो छूट गया था एक सीएल, वो एच और ये सीएल आपस में मिलके HCl बना के साइड प्रोडक्ट बना देंगे। अब यदि मैं आपको कहूं इसके ऊपर तो फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगा Cl2 का सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा, अभी तो दो एच बचे हैं, यहां से एक और एच एक सीएल, HCl फिर निकलेगा साइड प्रोडक्ट की तरह, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CHCl2। देखो समझ में आ रहा क्या खेल? CHCl2। अभी तो एक एच बचा है, इसे भी क्यों बचने दे रहे? इसके ऊपर फिर Cl2 का रिएक्शन कराओ सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर एक एच एक सीएल, ये फिर HCl निकल जाएगा, और इस बार आपके पास प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पर क्या होगा? CCl3। अब सवाल बच्चों के दिमाग में खड़ा होता है कि सर इनके नाम क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट बन गए। देखो, इसका नाम तो सबको पता है टॉलुइन। इसका नाम क्या है? टॉलुइन। इसका नाम क्या है? मैंने बताया था जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 होता है तो इसे कहते हैं बेंजाइल, यह है बेंजाइल क्लोराइड।
बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है, और जब सी एच होता है तो बेंजल, ये है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर अकेला सी और उसके ऊपर कुछ भी हेलोजन वगैरह जुड़े होते हैं तो अकेले सी को कहते हैं बेंजो, तो इसका नाम है बेंजो, ध्यान से समझ लेना, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तीन है ना इसके ऊपर, आप बेंजो क्लोराइड भी लिख सकते हो, पर बेंजो ट्राइक्लोराइड ज्यादा बुक्स में यही नाम लिखा हुआ है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बस ध्यान इतना रखना है, यदि इसके ऊपर सी एच टू है तो बेंजाइल, इसके ऊपर सी एच है तो बेंजल, इसके ऊपर सी है तो बेंजो, बेंजाइल बेंजल और बेंजो, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जरूर, ठीक है। नंबर नौ, नौवा रासायनिक गुण पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन विद, ये विद का निशान है ना, पहले भी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, KMnO4 ऑब्लिक H2SO4, यदि KMnO4 और H2SO4 का मिश्रण आप लोगे तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नवजात ऑक्सीजन। होगा क्या, बहुत आसान सी बात है, ध्यान से समझ लेना बस आप, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, ये हमारा टोलुइन है, इसके ऊपर जब आप रिएक्शन कराते हो, KMnO4 कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, लाल दवा को, और जिसमें H2SO4 होता है, तो यहां से हमें मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन यहां जब जुड़ेंगे तो CH3 कन्वर्ट होगा पहले CH2OH में, CH2OH फिर कन्वर्ट होगा CHO में, और CHO फिर कन्वर्ट होगा COOH में, तो आपको सीधा अल्टीमेट प्रोडक्ट लिखना है, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो लिखना है, बेंजीन रिंग के ऊपर दिखाना है COOH। जब आप इस CH3 का ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज होता रहता है, स्टेप वाइज, पहले अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसका नाम क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH होता है तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाम ध्यान रखना है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 10 पर, 10वां रासायनिक गुण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन विद बेसिक, बेसिक माने क्षारीय, बेसिक KMnO4, तो बेसिक KMnO4, जैसे NaOH की प्रेजेंस में, जैसे यहां H2SO4 लिया था ना हमने, तो हमें NaOH या KOH की उपस्थिति में रिएक्शन को कराना है। होगा क्या, ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर है CH3 अटैच, यानी ये है टोलुइन, क्या है टोलुइन, टोलुइन का आपको ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 से, KMnO4, और यहां लिख देता हूं बेसिक के लिए OH नेगेटिव, क्षारीय माध्यम के लिए OH नेगेटिव, ये भी हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे आपने मान लो OH में KOH इस्तेमाल करा, तो यहां कुछ लोग तो लिखते हैं COOH, कुछ लिखते हैं COOK, ठीक है, तो COOK का मतलब ये बेंजोइक एसिड का पोटेशियम साल्ट है, इसे आप कह सकते हो पोटेशियम बेंजोइट, बेंजोइक एसिड का पोटेशियम लवण साल्ट, पोटेशियम बेंजोइट, पोटेशियम बेंजो, पोटेशियम बेंजोएट, ये मिलता है हमें प्रोडक्ट, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले रिएक्शंस बताता हूँ आपको, पोज करके लिखो, लिख लिया, ठीक है बेटे। नंबर 11, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में
ऑक्सीडेशन यदि करेंगे हम टॉलुइन का तो क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो आपके पास इस तरह का रिएक्शन एग्जाम में आ गया कि एक बेंजीन रिंग बनी हुई है और उसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, यानी टॉलुइन दे रखा है, और टॉलुइन का उन्होंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एसिडिक मीडियम है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो ये जो CH3 है, CH3 ग्रुप ये वाला, ये COOH में ही कन्वर्ट हो जाता है मोस्टली। इससे पिछले जो दो तीन रिएक्शन मैंने आपको कराए उसमें भी COOH में ही कन्वर्ट हुआ, और प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये बना, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन आया तो भी आप इसे पूरा कर लोगे। तो ये कितने हुए रासायनिक गुण, 11। ये 11 रासायनिक गुण पढ़ने हैं हमें टोलुइन के, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ने। अब हम बात करेंगे यूजेस की। एक हेडिंग लिख लो यूजेस, या फिर आप लिख सकते हो उपयोग। अब टोलुइन के उपयोग देखते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है बेटे। उपयोग में सबसे पहला उपयोग आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको सिखाया भी है, TNT ट्राई नाइट्रो टोलुइन विस्फोटक। ये क्या होता है, विस्फोटक होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो TNT बनाने में, यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम प्रयोग करते हैं किसका, टोलुइन का। ट्राई नाइट्रो टोलुइन बनाना है तो हम टोलुइन का यूज करेंगे, और मैंने आपको सिखा रखा है कि TNT क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ। नंबर दो, दूसरा उपयोग आपको याद रखना है रंजक बनाने में। रंजक कहते हैं डाई को, कलर को, पता होगा आपको रंजक किसे कहते हैं, डाई को या कलर को, डाई कह दो या कलर कह दो एक ही बात है, ठीक है। तीसरा उपयोग आप लिख सकते हो एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में। कंपाउंड्स माने यौगिक, एरोमेटिक तो खुद है, टोलुइन खुद एरोमेटिक है। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनमें बेंजीन रिंग आएगी, वे सब एरोमेटिक ही होंगे। अच्छा, एक इसका उपयोग ये भी है कि आप इसे ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ज्वलनशील है ना। अच्छा, वैसे क्या करते हैं लोग कि पेट्रोल और बेंजीन के मिश्रण में इसे भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। ध्यान से सुना करो सारी बातों को। पेट्रोल और बेंजीन का मिक्सचर हमने बताया था आपको कि ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं बेंजोल। तो पेट्रोल मिलाओ, उसमें थोड़ा सा बेंजीन मिलाओ, थोड़ा सा टोलुइन भी मिला लो, तो ये भी ईंधन की तरह काम करेगा मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, पांचवा इसका उपयोग है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सैकेरीन बनाने में। सैकेरीन आपको पता है ना, सैकेरीन, सैकेरीन क्या होता है, सैकेरीन होता है एक कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक, ठीक है। चीनी तो महंगी होगी कुछ, पर सैकेरीन होता है सस्ता। बहुत सारे लोग जो मार्केट में या बस स्टैंड पे मिठी जैसे सिकंजवी या और शरबत वगैरह बनाते हैं ना, वे चीनी की जगह सैकरीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, C6H4, कभी कभार इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और यहाँ है हमारे पास SO2, और यहाँ है हमारे पास CO, और ये है NH। ये सूत्र होता है सैकरीन का, और ये खतरनाक है हमारे गले के लिए, मिट्टी तो होती है, ठीक है। अच्छा, एक उपयोग आप लिख सकते हो, चलो यही लिखता हूँ, ये उपयोग तो आप लिख सकते हो, जितने भी लिक्विड हैं, बेंजीन में भी लिखा था हमने, यहाँ भी लिख रहे, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में
कार्बनिक है खुद और द्रव है, तो कार्बनिक पदार्थों को तो घोल ही लेगा अपने अंदर, तो कार्बनिक विलायक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, टोलुइन का। लिख लिया बेटे, पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे जल्दी से। लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि टोलुइन समझ में आया होगा आपको, मैंने टोलुइन बनाने की विधि भी सिखाई आपको, भौतिक गुण भी सिखाए, रासायनिक गुण भी सिखाए और फिर उपयोग भी बता दिए, और यहाँ हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है इस यूनिट की। अब मुझे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराने हैं और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन, ये हमें अपने पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना चाहिए, पहले इसके क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।